जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं इसमें यह है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या आप मिज़ान बैंक में जाके अपना अकाउंट सेविंग पर्पज़ के लिए ओपन कर सकता है, क्योंकि होता यह है कि नेशनल बैंक में उनके पास ऑलरेडी अकाउंट होते हैं या किसी भी और बैंक में अकाउंट होता है तो वो मिज़ान बैंक में सेविंग के लिए आ रहे होते हैं। बेसिक उनका पर्पज़ ये होता है कि वो जो हैं जो हलाल सेविंग से अपना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे होते हैं, तो वो करते यही हैं कि आपने करना यह है कि अगर आप अपनी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं, अपनी सेविंग के लिए भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वही आपको सैलरी स्लिप देनी है अपने और आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप अपना जो सैलरी वाला अकाउंट है वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं मिज़ान बैंक में, या कि आपकी सैलरी ही मिज़ान बैंक में है, तो आप मिज़ान बैंक नियरेस्ट ब्रांच में जाएँगे, वहाँ पर जाकर अपनी सैलरी स्लिप देकर अकाउंट ओपन करवाएँगे। साथ में उन्हीं से ही एक फॉर्म मिल जाएगा, अकाउंट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होते हैं, अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ होगा, वहाँ से ब्रांच से मिल जाएगा। अगर उनके पास ना हो तो वो उनको बोलेंगे तो वो आपको अरेंज करके दे देंगे। उसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं, अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जाकर अकाउंट ऑफिस जमा कर देना है, जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी होगी वो उसमें आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ मेंशन करनी है आपने उसके अंदर के मेरा जो ब्रांच कोड है वो क्या है, तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी बंदा जो डायरेक्टली हमारे अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट में सेविंग करना चाह रहा होता है, तो उसके लिए भी एक बेनिफिशियल चीज़ मिज़ान बैंक इंट्रोड्यूस करवाई है कि वो अपने अदर बैंक का चेक जमा करवा दें मिज़ान बैंक में, तो उसके थ्रू भी डायरेक्टली पेमेंट कट के उसके जो CDC अकाउंट होता है उसमें ये पैसे चले जाते हैं, वहाँ से भी उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है ऑनलाइन बैठ के। तो ये दो क्वेश्चन मैंने जो आंसर करने थे वो कर लिए, और साथ में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो आप मिज़ान बैंक में किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।